नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिक फ्लेवर वाली बंगाली भोग की खिचड़ी। भोग की खिचड़ी का एक अलग ही पवित्र स्वाद होता है, एक अलग ही फ्लेवर होता है जो कि इस खिचड़ी को बहुत टेस्टी और यूनिक बनाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसी यूनिक फ्लेवर वाली बंगाली भोग की खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस खिचड़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मूंग डाल लिया है और एक कप गोविंद भोग चावल लिया है। और हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ जैसे आलू, कद्दू, मूली, परवल, कच्चा केला और बीन्स। आप चाहे तो और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हम करीब 6 से 7 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम हम इस टाइम लो पे रखेंगे। इस दाल को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इस खिचड़ी में चावल तो अच्छी तरह से पक जाएंगे पर दाल नहीं पकेंगी। तो इसे हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। अब ये देखिए, दाल हल्का सा रोस्ट हो चुका है। इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खिचड़ी को बनाने के लिए हम सब्जियों को एक एक करके फ्राई करेंगे और उसके लिए कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। और तेल जब गर्म हो जाए तब सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और गैस का फ्लेम आप इस टाइम लो टू मीडियम पे रखें। अब ये देखिए, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम परवल और बीन्स को फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जैसे फूलगोभी, पपीता, गाजर और बरबट्टी। ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सब्जियों को फ्राई करते टाइम आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखें। ये देखिए, परवल और बीन्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। भोग की खिचड़ी में बहुत सारी सब्जियाँ ऐड की जाती हैं, तो सब्जियों को आप इस तरह से फ्राई करके ज़रूर ऐड करें। अब उसी तेल में हम फ्राई करेंगे कच्चा केला और कद्दू को। इसे भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका रंग हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। पर याद रहे, गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम पे ही रखें। ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे। अब लास्ट में हम फ्राई करेंगे मूली को। मूली को हम इस तरह से राउंड में कट करेंगे और इसे हम बिना नमक ऐड करे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, मूली भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसे भी हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। अब उसी तेल में हम ऐड करेंगे 2 तेजपत्ता, 1 चम्मच जीरा। इसके साथ हम ऐड करेंगे 8 से 9 हरी इलायची। इलायची का जो छिलका है हल्का सा खोल लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे 8 से 9 लौंग और ऐड करेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े। अब इन सारे खड़े मसालों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस खिचड़ी में इन खड़े मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें, इसे आप स्किप ना करें। अब ये देखिए, खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे करीब 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और अदरक को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस रेसिपी को फॉलो करने से आप एग्जैक्टली पंडाल में मिलने वाली खिचड़ी का फ्लेवर घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। आप इस खिचड़ी को ना सिर्फ पूजा में बल्कि साल भर जब आपका मन करे बनाकर खा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे धुले हुए चावल को। ये गोविंद भोग चावल है। आप चाहे तो बासमती चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस खिचड़ी को बनाने के लिए पंडालों में पुजारी लोग गोविंद भोग चावल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस चावल का फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चावल को हमें करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, पर याद रहे आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखें। अब ये देखिए, चावल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंग दाल। ड्राई रोस्ट करने के बाद मूंग दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर इसमें ऐड करें। अब दाल और चावल को हमें धीमी आँच पे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसे हम जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे खिचड़ी का टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। और इसे आप लगातार चलाते रहें ताकि नीचे चिपके ना। ऐड करें स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे करीब 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से नमक को ऐड करें। नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और इसके साथ हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे करीब 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने से खिचड़ी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप स्किप ना करें, इसे आप ज़रूर डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे करीब 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ रंग के लिए है, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है, तो इसे आप आराम से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल को ऐड करने से इसमें अलग ही फ्लेवर आता है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो नारियल को आप स्किप बिल्कुल ना करें, इसे आप ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे देखिए मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड किया है। अब इसे हम दाल चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। ये खिचड़ी हल्की सी मीठी होती है, तो चीनी आप ज़रूर डालें, इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। मैंने यहाँ पे जिस तरह रेसिपी को बताया है, अगर आप उसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी खिचड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल पंडाल में बनने वाली भोग की खिचड़ी की तरह। अब यहाँ पे देखिए दाल और चावल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ आलू। आलू को पकने में वक्त लगता है, तो आलू को हम पहले ऐड करेंगे और बाकी के सब्जियों को हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे गर्म पानी। यहाँ पे आप गर्म पानी का ही यूज़ करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। और पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ हरी मिर्च। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च को ऐड करें। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक के पकाएंगे जब तक दाल और चावल अच्छी तरह से पक ना जाए। बीच बीच में ढक्कन हटा के हम चला लेंगे और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा हम गर्म पानी को धीरे धीरे ऐड करेंगे। करीब 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए चावल और दाल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे सारे फ्राई किए हुए सब्जियों को। ये सब्जियाँ ऑलरेडी 80% कुक्ड हो चुकी हैं, बाकी 20% ये खिचड़ी के साथ पकेंगी। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये देखिए 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी। अब फाइनली इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस खिचड़ी में आप इतना ही पानी रखें क्योंकि धीरे धीरे जब ये ठंडा होता जाएगा तो ये अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा और इसे हम ढक के रखेंगे करीब 10 मिनट के लिए। और ये लीजिए करीब 10 मिनट के बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों अगर हमारी रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो हमें प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत 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 थैंक्स हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस खिचड़ी के साथ मिक्स वेज की सब्जी सर्व कर रही हूँ। इस खिचड़ी के साथ इस सब्जी को सर्व किया जाता है और साथ में मैं सर्व कर रही हूँ बैगनी और आलू का चिप्स। और अंत में इसमें ऐड करेंगे देसी घी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे एक न्यू रेसिपी के साथ। नमस्कार।